गुना में अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अल्प वेतन पर विगत 15-16 वर्षों से अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका भविष्य अंधकारमय है। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय परीक्षा कराकर नियमित करें। वहीं 11 सितंबर को भोपाल में अतिथि शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और आयुक्त शिल्पा गुप्ता के साथ बैठक हुई। बैठक में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उनके शीघ्र आदेश जारी किए जाएं। रविवार को गुना शास्त्री पार्क पर एकत्रित हुए अतिथि शिक्षकों ने रैली निकालकर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही जिले स्तर पर रैली के माध्यम से ज्ञापन दे रहा है। पिछला 2023 में 2 सितंबर को माननीय वर्तमान पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अतिथि शिक्षकों की मापनचाक करके बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी गई थी और हमारा नियमितीकरण के विषय में मामा जी ने बोला था। और अभी 10 सितंबर 2024 को भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इसके परिप्रेक्ष्य में 11 तारीख को हमारे प्रतिनिधि मंडल से वर्तमान शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव जी ने मुलाकात की और 8 सूत्रीय मांगों पर हमारी सहमति बनी। कुछ 3 मांगे ऐसी थी जिन पर मुख्यमंत्री साहब का परमिशन लेना बहुत जरूरी था, उन्होंने बताया, लेकिन 8 बिंदुओं पर सहमति बन चुकी थी। इसके बाद ही 3-4 दिन बाद अचानक से शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया कि आप मेहमान हो तो क्या हमारे घर पे कब्जा करोगे क्या। इतना शर्मनाक बयान कि पूरे मध्य प्रदेश में मतलब इस मुद्दे को उठाया गया। जो भी शिक्षाविद थे अपने आप को संस्कारवान लोग कहते थे, उन्होंने पूरे इसको मतलब पूरी तरीके से बहिष्कृत किया। पर बाद में 3-4 दिन बाद शिक्षा मंत्री जी को भी लगा कि मेरे से कुछ ना कुछ गलती हुआ है, तो उन्होंने अपने वक्तव्य पर खेद प्रकट किया। लेकिन अतिथि शिक्षकों की मांग है कि आपने, हम बार बार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम इतना तो आपके दिमाग में आया कि आपने सोच लिया कि हमने कुछ गलत बोल दिया तो खेद प्रकट किया, लेकिन अभी हम इससे संतुष्ट नहीं है। जब तक शिक्षा मंत्री जी हमसे माफी नहीं मांगेंगे। दूसरा, हमें अपना बच्चा कहा है, या बच्चे को आप भार भगाते हो क्या स्कूलों से?